उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत से अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की। पंत ने सीएम धामी को बताया कि गड्ढा या सामने कोई काली चीज आने की वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ। सीएम धामी ने बताया कि पंत के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। लिगामेंट के उपचार के बारे में सीएम धामी ने बताया कि इस पर बीसीसीआई फैसला लेगी। कहा कि डॉक्टरों का पैनल पंत का इलाज कर रहा है और वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। धामी ने बताया डॉक्टरों के अनुसार अगले 24 घंटे में पंत को दर्द से राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें भीषण सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में सुधार हो रहा है। उनके माथे की प्लास्टिक सर्जरी मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने की है और उन्हें अभी आईसीयू में ही रखा गया है। शरीर के कई हिस्सों में दर्द और सूजन के चलते उनका एमआरआई अटका हुआ है। शनिवार को उनका एमआरआई नहीं हो सका था, रविवार को दोबारा से कोशिश की जाएगी। लिगामेंट के उपचार एवं सर्जरी के लिए उन्हें अगले कुछ दिनों में दिल्ली, मुंबई या इंग्लैंड या अमेरिका शिफ्ट किया जा सकता है। यहां पर जब दर्द और सूजन से राहत मिल जाएगी तब उन्हें यहां से शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें ऋषभ पंत की हालत सामान्य बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। अभी एयरलिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं और ना ही कोई जरूरत अभी है कि मैक्स अस्पताल प्रशासन ने सूत्रों ने भी ऋषभ पंत को शिफ्ट किए जाने से फिलहाल इनकार किया है।